गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। एंड आज शैलेश की तबीयत ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकती लेकिन थोड़ी थोड़ी ठीक है। उसने कहा बेटर है कल से, दो दिन से, तो अभी दोपहर तक देखना चाहते हैं। दोपहर के बाद वो जो शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, तो दवाई लेने जाएंगे हॉस्पिटल। तो अभी हम देखो 10:30 बज चुके हैं, आज बहुत लेट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं थोड़ा बिजी थी और शैलेश की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए परेशान थी। अभी वो जागे, वो कब के जग चुके, वैसे तो 9:30 के आसपास जग गए थे। तो उसके लिए वो खाना बनाना था, उसके लिए दलिया बनाना था, ये सब था, तो इसलिए लेट हो चुका है वीडियो बनाने में। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं नीचे जाने के लिए। तो अभी दोपहर का टाइम होने वाला है, 10:30 बज चुके हैं, तो अभी हम नीचे जाएंगे, थोड़ा काम है तो वो करके उसके बाद लंच का टाइम हो जाएगा, तो लंच लेना पड़ेगा। तो वैसे मेरे कमेंट में कमेंट आई थी मेरे व्यूअर की कि हमें होम टूर कराओ, तो ठीक है, तो मैं होम टूर भी आपको कराऊंगी लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी नीचे जाना है, कोई गेस्ट आए हुए हैं। वैसे मैंने होम टूर मैंने अपने पहले वीडियो में कराया है, जो इससे पहले गुजराती में बनाती थी ना, तब शुरू जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तब से मैंने बनाया हुआ है, तो आप जहाँ चाहे तो देख सकते हैं वो भी, और मैं आज भी आपको कराऊंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद। चलिए अभी हम नीचे चलते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं वापस। तो अभी देखो हम नीचे आके काम कर लिए हैं सब कुछ, अभी देखो 12 बज चुके हैं और हम आज थाल बनाने वाले हैं। गुजराती में कहिए तो थाल बनावानो छे विजयगिरी बापानो, तो आज मंगलवार छे, विजयगिरी बापानो वार छे आज, तो उसके लिए हम थाल बनाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। तो अभी आधा काम तो हो चुका है, आधी रसोई बाकी आधी हो चुकी है, तो ऐसा है। तो अभी विजय के पापा का जो थाल बनाना है तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी। तो अभी मम्मी आ गए हैं, मम्मी गए थे बाजू के घर, तो अभी वो आ गए हैं, तो चलिए फिर हम मिलेंगे, शैलेश आएंगे उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद आपको मिलाती हूँ उसे, कैसी तबीयत है कैसी नहीं उससे पूछते हैं। चलिए કેટલી વાર સબ આવે હે બલાડવા વાળી છે થોડું મોડું થઈ ગયું પણ થઈ ગયું કા મોડું કીધું મેં ખાઈ મેં તો એ માથે રહી કે મેં ડાળે ઓળ દીધી છે તો ખાઈ ઓળ દીધા અને શાક છે કે કર પછી દવે છે વાતો નાખી જાણવાનું બાકી ને ભૂખ બહુ લાગી છે પછી થાળ થાય છે થાળ જારી કરવી અને પછી છે આપણે જમવા બેસવાનું છે આજ થોડુંક લેટ થઈ ગયું છે 1:30 વાગ્યા છે બરાબર છે બા લાડવા વાળા છે બાકી છે અને લાડવા વાળા છે થાળ તૈયાર થાય છે પછી આપણે જમવા બેસવાનું છે तो अभी देखो शैलेश आज भी विटामिन डी ले रही है। देखो अभी मैंने आप सबको बोला था ना उसकी तबीयत के बारे में पूछेंगे, तो शैलेश विटामिन डी ले रही है, तबीयत में कैसा है सुधार? सुधार तो है जोर से,
ए सुधार है, तबीयत में सुधार है और थोड़ा तड़के में बैठने का मन हो रहा था तो एक घंटे से शायद बैठ रहा हूँ इधर। मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, वैसे देखते हैं अब तो ठीक हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अभी हम जितरी जाएंगे, देखते हैं। चलो ठीक है, तो अभी दोपहर के साढ़े तीन बजे या फिर तो दो बजे हैं। साढ़े दो नहीं, सिर्फ दो ही बजे हैं, मैंने देख लिया मोबाइल में। तो चलो अभी दो बज गए हैं और धूप सेकने के लिए शैलेश बैठ चुके हैं, अभी विटामिन डी ले रहे हो। तो चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम भी चलते हैं अंदर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए, क्योंकि जाना है रिद्धि के घर, जितरी जाना है। तो मेरी सिस्टर है ना, उसके घर जाना है हमें, तो थोड़ी देर के बाद निकलेंगे, तब तक आराम कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अभी देखो सभी चल, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जोर जोर से चल रही है, आज बहुत सारी निकल रही नहीं आज से, शाम को भी इतनी आ रही थी, आज भी इतनी है। वैसे तो ये हाईवे है, हर रोज़ बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा है, इसलिए कह रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अभी नीचे नहीं, अभी थोड़ी देर में कुछ प्रसंग है, श्रीमद वगैरह का सब कुछ मुहूर्त है दो दिन में, तो इसलिए सब कुछ। मैंने गाँव में देखा हुआ था एक जगह पर श्रीमंत का कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे गुजरात में यार हमारे भावनगर में काफी जगहों पर श्रीमंत का मुहूर्त निकला हुआ होगा, तो वो सब निकल रहे। चलो ये भी अपने बात का सॉल्यूशन निकल गया कि क्यों इतनी सारी गाड़ियां निकल रही थी। देखो तो भी कह रहे कि श्रीमंत विधि कहीं हो रही होगी, उसका मुहूर्त ज़्यादा निकल रहा है, ऐसा कह रहे हैं शैलेश। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फाइनली। फ्रेंड्स, तो ये मोजड़ी भी मेरे मम्मी लाए हैं अहमदाबाद से, बहुत बहुत अच्छी है, देखो मैंने पहन भी ली है दूसरी बार, तो अभी थैंक यू मम्मी। चलो फ्रेंड्स, अभी हम निकलते हैं जितरी जाने के लिए, वापस आएंगे उसके बाद मिलेंगे। एंड ये सब अभी काम चल रहा है इसलिए होम टूर नहीं हो रहा है, उसके बाद होम टूर करेंगे। पहुंच चुके हैं हमारी सिस्टर के घर, देखो तो अभी अपनी साड़ी वगैरह कुछ कार निकाल रही, मेरी साड़ी यहाँ पर पड़ी थी तो वो निकाल कर दे रही है, देखो। ओए हाय। चलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं, थोड़ी देर बैठ भी लिया है और अभी जाना भी पड़ेगा, क्योंकि शैलेश को कॉल आया है कि अभी वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो अभी जाना तो पड़ेगा, ये इमरजेंसी आ गई है, तो अभी जल्दी से निकलते हैं, उसके बाद हम वापस थोड़ी देर के बाद आएंगे। बिजी दो और तो कोई अभी चांस है ही नहीं, क्योंकि अभी निकलना भी पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम वापस मिलेंगे, बाय। हेलो फ्रेंड, तो अभी देखो हम रिद्धि के यहाँ से कब के आ चुके हैं, 5:30 के आसपास आ चुके थे, तो अभी हमने डिनर भी बना लिया, डिनर भी कर लिया है और 9:30 बज चुके हैं। तो अभी हम वीडियो यहाँ पर पूरा करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड आपको थोड़े ही दिन में एक सरप्राइज मिलने वाला है, वो सरप्राइज ट्रिप है हमारा। तो अभी हम थोड़े दिन से राह देख रहे थे मम्मी के आने की, कि वो आए तो हम कहीं पर जा सके, क्योंकि तो अभी हमें लग रहा है कि हाँ आप लोग बोर हो गए हैं घर के वीडियो देख देख के, तो इसलिए हमने सोचा है कि अभी आपको कहीं पर लेके जाएंगे और आपको वहाँ का वीडियो दिखाकर आपको मज़े करवाएंगे, तो ऐसा कुछ है। तो अभी ये सरप्राइज़ है, तो अभी हम जाएंगे जहाँ कहीं भी तो आपको दिखाएंगे। एंड मम्मी की राह इसलिए देख रही थी क्योंकि पापा को अकेले छोड़ के कहीं पे जा नहीं सकते, कुछ भी हो तो फिर से वाड़ी पे जाते हैं, वाड़ी खेत पे जाते हैं और खेत पे से घर पे आते हैं, घर पे से बोर हो जाते हैं तो खेत पे जाते हैं, तो इसलिए अभी सोचा है कहीं पर जाएंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।